अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर का सेक्शन सी करने जा रहे हैं। यानी कि जो मॉडल पेपर हमें प्रोवाइड किया गया था मैथमेटिक्स का, इसका सेक्शन सी हम आज की वीडियो में करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका सेक्शन बी कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे और हमने सारे क्वेश्चन देख भी लिए थे कि किस एक्सरसाइजेस के कौन से क्वेश्चन हैं, और उनको हमने सॉल्व भी कर लिया था। ये हमने लास्ट वीडियो में काम किया था। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, तो वहां जाके भी आप इसका लिंक ले सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की आप तैयारी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन सी, जो कि हम आज की वीडियो में करेंगे। और सेक्शन सी में हमारे पास डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस हैं। अभी जो डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पास टोटल कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं हमारे पास डिटेल्ड में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में 8 है, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। राइट, अब 5 अटेम्प्ट करने हैं तो हम शुरू करते हैं, इसकी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर 3 वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई से भी दो इंटीग्रल सॉल्व करने हैं। यानी कि हमारे पास ये ए बी सी डी चार इंटीग्रल गिवन है, एंड यू हैव टू सॉल्व एनी टू ऑफ देम। तो यहाँ पे जो पार्ट ए वाला है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और वन बाय वन हम सबका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो पार्ट ए देखते हैं, जिसमें हमने इंटीग्रेट करना है 1 + 2x / √1 - x dx को। हम चलते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सी का पार्ट ए, और इंटीग्रल है 1 + 2x / √1 - x, साथ में dx। राइट, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ये इंटीग्रल इक्वल है आई के। इंटीग्रल 1 + 2x / √1 - x और साथ में dx। अब हमने कोई फॉर्मूला देखना है, कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, कोई इस तरह से इसको सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता। तो अब हमने क्या करना है, इसमें सपोजिशन से काम करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और ये जो डिनोमिनेटर में 1 - x है, हमने लेट कर लिया कि वो यू के इक्वल है। जब ये यू के इक्वल है तो डी यू इक्वल हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस dx। राइट, अब ये यू की वैल्यू है 1 - x, यू इज इक्वल टू 1 - x। अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालू तो एक्स इक्वल हो जाएगा 1 - u के। राइट, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब सारी वैल्यूज उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब ये मेरे पास हो जाएगा इक्वेशन 1, टोटल इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब ये है 1 + 2x। तो 1 + 2x की जगह पे जो हमने सपोजिशन यू वाली की हुई है वो पुट करेंगे, और ये डिवाइड होगा √u से, यानी कि u की पावर 1/2। और dx है तो dx इक्वल होगा -du के, इस तरह से हमने कर दिया। राइट, तो अब क्या करेंगे, माइनस ये वाला बाहर आ जाएगा इस तरह, और इंटीग्रल अब इसको अंदर सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 1 2 - 2u, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा u की पावर 1/2 और साथ में du। तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस इंटीग्रल 1 + 2 is 3 - 2u / u 1/2 du। अब इसको सेपरेट करके भी लिख लेते हैं, तो आई इक्वल हो जाएगा माइनस इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल 3 / u की पावर 1/2 और माइनस TU / u की पावर 1/2 साथ में du। राइट, तो अब ये u को ऊपर ले जाते हैं क्योंकि इंटीग्रेट करना है, ऊपर जाएगा तो u की पावर -1/2 हो जाएगा, और ये जब 1/2 ऊपर जाएगा तो ऊपर ऑलरेडी u की पावर 1 मौजूद है, तो 1 - 1/2 = 1/2, तो ये रह जाएगा साथ में du। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट किस तरह से करना है, इसकी पावर आपने +1 करनी है, और वही इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। तो -1/2 पावर जब +1 होगी तो रिजल्ट आएगा 1/2, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1/2,
और इसकी पावर में जब प्लस वन करेंगे तो ये 3/2, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 3/2, और यहाँ से इंटीग्रल का साइन हट जाएगा क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, और प्लस सी, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1/2 डबल फ्रैक्शन में गिवन है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -6 u की पावर 1/2 माइनस माइनस प्लस, अब ये हो जाएगा 4/3, और u की पावर है 3/2, और कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे ये जो u है इसको वापस से रिप्लेस करते हैं क्योंकि वी नो दैट u इज इक्वल टू 1 माइनस x, तो जहां जहां u है इसको वापस से x में अपना आंसर देंगे, ये हो जाएगा u यानी कि 1 माइनस x की पावर 1/2 +4/3, u की वैल्यू है 1 माइनस x पावर है 3/2 प्लस c, और इन दी एंड हम इसको लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू 4/3 1 माइनस x की पावर 3/2, और ये वाली टर्म को बाद में लिख देंगे, -6 और 1/2 है तो उसको अंडर रूट लिख सकते हैं, √1 - x + c। तो यही हमारे हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए सॉल्व कर लिया और हमारे पास इसका रिजल्ट भी आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हमने सॉल्व कर लिया है अपने पास, अब इसी का पार्ट बी है जिसपे हमने इंटीग्रल एक्सपोनेंट 2x sin 2x dx इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 भी है, अगर आप चाहें तो वहां से भी जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा सॉल्व कर रहे हैं और इसमें दो फंक्शन मौजूद हैं, इसका मतलब है यहाँ पे हम बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने जा रहे हैं। तो अब पार्ट बी को सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम इसका पार्ट बी कर रहे हैं, और पार्ट बी में हमारे पास जो इंटीग्रल है ये है e की पावर 2x, साथ में है sin 2x dx, इसको हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो उसी तरह सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल e की पावर 2x और साथ में sin 2x dx। अब ये दो फंक्शंस हैं, एक एक्सपोनेंट का और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ये दो फंक्शन जब इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हो और हमें इंटीग्रेट करना हो तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और बाय पार्ट्स में क्या होता है कि एक को आपको यू लेट करना होता है और एक को वी लेट करना होता है। अब किसको यू लेट करें, किसको वी लेट करें, ये मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वीडियो में, अगर आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए जिसपे हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे दूँ, हम आई लेट का फॉर्मूला यूज करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो सपोजिशन करेंगे वो लेट करेंगे कि यू इज इक्वल्स टू sin 2x है, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2cos 2x, और वी हमारे पास होता है यहाँ पे e 2x, और इसका इंटीग्रल हमें चाहिए होता है और ये होगा हमारे पास e 2x/2। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है वो यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं कि अगर आपको, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लिख दूँ, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं यू इंटू वी दो फंक्शन को तो ये इक्वल होगा यू एज इट इज इंटीग्रल ऑफ वी माइनस इंटीग्रल यू का डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ वी, राइट। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करते हैं तो आई हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, यू एज इट इज यानी कि sin 2x इंटीग्रल ऑफ वी, और इंटीग्रल ऑफ वी क्या है, e की पावर 2x/2 माइनस यू का डेरिवेटिव, यू का डेरिवेटिव है हमारे पास 2cos 2x, तो इसको पुट कर देते हैं 2cos 2x, और साथ में क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ वी यानी कि e की पावर 2x/2, साथ में आएगा dx क्योंकि इंटीग्रल अभी मौजूद है। तो आई इक्वल हो जाएगा ये हमारे पास e की पावर 2x/2 sin 2x माइनस, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रल अब ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 2x और साथ में cos 2x और dx। अब इसमें अगेन हम बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे क्योंकि ये दो फंक्शन दोबारा से हमारे पास आ गए, तो
जो के मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स हम दोबारा अप्लाई करेंगे इस वाले हिस्से में, ये वाली टर्म एज इट इज चलेगी हमारे साथ साथ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन हम लेट करेंगे कि u इक्वल है cos 2x के, और u का हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है, और u का डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन 2x, और साथ में यहाँ पे 2 भी लगेगा, और v हम लेट करेंगे e की पावर 2x को, और इंटीग्रल ऑफ v हो जाएगा e 2x अपॉन 2। राइट, ये सारी सपोजिशन हमने कर ली है। अब इसको आई में पुट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू पहली टर्म तो एज इट इज रहेगी ई टू एक्स अपॉन टू साइन टू एक्स माइनस, अब इंटीग्रल इंटीग्रल हमने सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, दोबारा से यू डॉट पी लगा रहे हैं, तो ब्रैकेट लगाते हैं यू एज इट इज, इसका मतलब है कॉस टू एक्स एज इट इज इंटीग्रल ऑफ वी यानी कि ई की पावर टू एक्स अपॉन टू माइनस इंटीग्रल u का डेरिवेटिव यानी के माइनस टू साइन टू एक्स, और इंटीग्रल ऑफ v यहाँ पे ये हो जाएगा e की पावर टू एक्स अपॉन टू। तो दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे अगले स्टेप में, e टू एक्स अपॉन टू साइन टू एक्स एज इट इज आएगा माइनस ये हो जाएगा ई टू एक्स अपॉन टू साथ में कॉस टू एक्स, ये माइन टू से ये खत्म हुआ, माइनस माइनस प्लस और ये वाला बाहर ऑलरेडी मौजूद है, और इंटीग्रल ई टू एक्स और साइन टू एक्स डी एक्स। ई टू एक्स साइन टू एक्स ये हमने लेट किया हुआ था, ई टू एक्स साइन टू एक्स आई के इक्वल, तो यहाँ पे हम वापस से पुट कर देंगे अपॉन टू साइन टू एक्स माइनस ई टू एक्स अपॉन टू कॉस टू एक्स, और यहाँ पे माइनस आई पुट कर देंगे। राइट, माइनस आई जब इधर आएगा तो प्लस आई हो जाएगा, और प्लस आई होके यहाँ पे आ जाएगा टू आई, और यहाँ पे हमारे पास e 2x अपॉन 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, और अंदर रह जाएगा साइन 2x माइनस कॉस 2x। राइट, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि ये मेरे पास यहाँ पे 2 मौजूद है, और 2 जब इधर आएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा e 2x अपॉन 4 और साथ में साइन 2x माइनस कॉस टू एक्स, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। यानी कि जिस इंटीग्रल को हमने आई लेट किया हुआ था ई टू एक्स साइन टू एक्स को बाय पार्ट्स लगाने के बाद हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है, हमने ये बी भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ, और इसका पार्ट सी हम सॉल्व करते हैं, और ये एक्सरसाइज मौजूद है हमारे पास 6.6 के क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3, यहाँ पे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका पार्ट सी लिखते हैं यहाँ पे, और ये होगा इंटीग्रल, नीचे 3 है और ऊपर है 2 अंडर रूट 3 एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो पहले तो चेक कर लीजिए क्या इसको सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या कोई और इजी मेथड है तो वो अप्लाई कीजिए, और अगर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे हमने देखा था अगर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 4 को भी स्क्वायर में लिखूं तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ए टेन थीटा हम लेट करते हैं, तो ए की जगह पे हम 2 लेट करेंगे 2 टेन थीटा, और डी एक्स क्या हो जाएगा इसका डेरीवेटिव टेन थीटा का ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा। राइट, अब जब पहले हमारे पास वेरिएबल एक्स में था, अब जब वेरिएबल हम थीटा में शिफ्ट कर रहे हैं तो थीटा के अकॉर्डिंगली इसकी लिमिट्स भी चेंज होनी चाहिए, तो पहले हम पुट करते हैं लोअर लिमिट के व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 3, तो इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे 3 पुट कीजिए, और साथ में 2 टेन थीटा है तो थीटा की लिमिट्स आपके पास आ जाएंगी 3 अपॉन 2 यहाँ चला जाएगा इज इक्वल्स टू 10 थीटा,
और थीटा भी जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, थीटा इधर रहेगा, टेन इनवर्स इधर चला जाएगा, टेन इनवर्स 3/2, तो लोअर लिमिट हमारे पास होगी 10 इनवर्स 3/2, ये इसकी लोअर लिमिट अभी हमने निकाली है। अब हम इसकी अपर लिमिट निकालते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 2√3। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 2√3 इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो थीटा इक्वल हो जाएगा 10 इनवर्स √3, जो कि इक्वल होता है π/3 के। तो यहां से हमने अपर लिमिट भी निकाल ली है। अब इसको हम इक्वेशन कोलेक्ट कर लेते हैं कि आई इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रल ये 3 की जगह पे अब थीटा की यूनिट आ जाएगी, और थीटा की यूनिट है 10 इनवर्स 3/2, और अपर लिमिट 2√3 की जगह पे जब एक्स की वैल्यू 2√3 है तो थीटा आ जाएगा π/3, राइट। तो अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स क्यूब है, एक्स को हमने लेट किया हुआ है 2 tan थीटा, इसका क्यूब हो जाएगा, डी एक्स की जगह पे आ जाएगा 2 sec² थीटा और साथ में डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, √x की जगह पे 2 tan थीटा और स्क्वायर भी है ऊपर +4। तो अब i इक्वल हो जाएगा, लिमिट्स वही चलेंगी, लिमिट में बार बार नहीं लिख रही, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 tan³θ, और यहाँ पे 2 मौजूद है, 2 sec² θ डी थीटा, और डिनोमिनेटर में से आ जाएगा हमारे पास √2² 4 tan²θ +4। 8 को √ से बाहर निकाल लें, 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो 8 और 2 हमारे पास बाहर आ जाएंगे, 8 2 16 चाहे कर दीजिए, अंदर क्या रह जाएगा 10³θ और साथ में sec² θ डी थीटा। अब यहां से अगर मैं 4 कॉमन लूं डिनोमिनेटर से, 4 कॉमन लेने के बाद इसको रूट से बाहर निकालूं, तो ये 2 बाहर आएगा और अंदर बचेगा √10² θ और यहाँ पे +1, जो कि इक्वल होता है sec² θ के। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 1 2, 2 8 16 होगा, आई इज इक्वल्स टू 8, यहाँ पे है 10³θ। अब ये डिनोमिनेटर में सिर्फ sec थीटा रह गया और ऊपर है sec² θ, तो वो भी कैंसिल हो गया, सिर्फ sec थीटा रह जाएगा। अब यहाँ पे 10³ को हम ब्रेक करते हैं 10² में, power 2 और power 1 में ब्रेक करते हैं, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होके 2 + 1 वापस से 3 ही हो जाएगी, और सिर्फ sec थीटा d थीटा यहाँ पे रह जाएगा। अब यहाँ पे जो 10² है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं sec² θ -1, साथ में 10θ sec थीटा d थीटा एज इट इज चलेगा। अब अगले स्टेप में आई इज इक्वल्स टू 8 इंटीग्रल, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 10θ sec थीटा से, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यानी कि sec³θ ही हो जाएगा, और साथ में 10θ और -10θ sec थीटा। और बाहर आ जाएगा डी थीटा, राइट। तो अब यहाँ पे अच्छा, अगर मैं इसको सेक थीटा ही रहने दूँ, क्योंकि फिर इसको इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा, तो मैं रीराइट करती हूँ अभी, तो ये मेरे पास हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू 8 इंटीग्रल sec² थीटा को अलग लिखूंगी मैं, और sec थीटा
टेन थीटा अलग माइनस साथ में आएगा टेन थीटा सेक थीटा, बाहर आ जाएगा डी थीटा, राइट। ये मैंने इसलिए अलग करके लिखा क्योंकि सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा, तो सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर सामने मौजूद है तो इंटीग्रेट करना बहुत ही सिंपल है कि आप क्या करें, सिर्फ सेक की एक पावर बढ़ा दें यानी कि क्यूब कर दें और डिनोमिनेटर में भी वो पावर लिख दें। तो सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक थीटा का डेरिवेटिव सामने मौजूद था, तो ये वाला आपको फॉर्मूला याद होगा कि एफ ऑफ एक्स है साथ में डेरिवेटिव भी मौजूद है। जब डेरिवेटिव भी मौजूद होता है और इसकी पावर अगर एन है तो आप एन प्लस वन करते हैं और वही पावर डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने वही काम किया है और यहाँ पे सिंपल टेन थीटा सेक थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा, राइट। और इस पर पावर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट इसकी मैंने लिखी नहीं थी, ये थी हमारे पास टेन इनवर्स पी अपॉन टू और अपर लिमिट है पाई बाय थ्री। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाइंग लिमिट्स। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एट, अब ये है सेक क्यूब, थीटा की जगह पे आ जाएगा पाई बाय थ्री अपॉन थ्री माइनस सेक पाई बाय थ्री। ये मैंने अभी ये अपर लिमिट बुक की है, बीच में आएगा माइनस का साइन, अब ये एट सबसे मल्टीप्लाई होगा तो मैंने बड़ा ब्रैकेट डाल दिया। तो अब ये जब अप लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे थीटा की जगह पे तो सेक क्यूब अपॉन थ्री तो एज इट इज रहेगा और इस थीटा की जगह पे आ जाएगा टेन इनवर्स थ्री बाय टू माइनस सेक ब्रैकेट में टेन इनवर्स थ्री बाय टू, राइट। तो आई इक्वल हो जाएगा एट, अब इसको कैलकुलेटर में डालिए, अगर सेक क्यू आपसे डायरेक्ट नहीं निकलता तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक इक्वल होता है वन अपॉन कॉस के, तो कॉस तो आपको इजीली निकल आएगा कैलकुलेटर में, तो वन अपॉन कॉस करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी टू अपॉन टू, इसकी वैल्यू टू रहेगी क्योंकि कॉस की अगर मैं वैल्यू निकालूँ पाई बाय थ्री पे तो वन अपॉन टू होती है और जब रेसिप्रोकल करूंगी तो मेरे पास टू आ जाएगा और टू का क्यूब मुझे लेना है जो कि एट होगा, एट अपॉन थ्री इसकी वैल्यू। उसी तरह से सेक की जगह पे आप कॉस फाइव बाई थ्री रखें और उसका रेसिप्रोकल कर दें तो वन बाई टू आएगा, रेसिप्रोकल करके टू रह जाएगा माइनस, यहाँ पे पहले आप टेन इनवर्स थ्री अपॉन टू निकालें कैलकुलेटर से, जब वो निकल आए तो यहाँ पे सेक क्यूब इस पर अप्लाई कर दीजिए या सेक अप्लाई कर दें फिर बाद में पावर थ्री ले लीजिएगा। तो ये आपके पास अगर अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू आएगा क्योंकि बेसिकली ये इक्वल होगा 1.80277 के और जब इसकी पावर थ्री करेंगे तो ये इक्वल होगा 5.85 के जो कि इक्वल होता है 1/3 को, तो मैं साइड पे लिख दूं, पावर थ्री लेने के बाद ये इक्वल आएगा 13 अंडर रूट 13 अपॉन 8 के और ये वाली टर्म इक्वल आ जाएगी, ये माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1.80 पहले 10 इनवर्स 3 अपॉन 2 कीजिए उस पे सेक अप्लाई करें तो ये 1.80 आएगी जो कि इक्वल होगी अंडर रूट 13 अपॉन 2 के। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 8 अपॉन 3 माइनस 2, ये 3 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा यहाँ पे प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो एलसीएम वगैरह लेने के बाद जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 16 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 3, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा। एलसीएम ले लीजिएगा, डिनोमिनेटर में 24 आएगा, 8 से 24 कैंसिल होगा तो 3 रह जाएगा और न्यूमरेटर में मेरे पास 16 माइनस रूट 3 आ जाएगा, तो यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने इसका पार्ट सी भी देख लिया, पार्ट सी थोड़ा सा यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हुए आपको ध्यान रखना है कि थीटा की जब लिमिट अप्लाई करेंगे जो कि लोअर लिमिट है 10 इनवर्स 3 बाय 2 और अपर लिमिट है पाई बाय 3, तो लिमिट अप्लाई करते हुए ध्यान रखना है। अब इसके नेक्स्ट की तरफ आते हैं, यहाँ पे हमने इसका पार्ट सी भी कर लिया, अब पार्ट डी देखते हैं जो कि है इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि इसके डिनोमिनेटर में दो फंक्शन मौजूद हैं
और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर दो फंक्शंस मौजूद हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो बेसिकली हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन था इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हमने सॉल्व करना है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कंसीडर करते हैं, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी सिर्फ फंक्शन को कंसीडर करते हैं, बाकी इंटीग्रेट इसको बाद में कर देंगे। अब x माइनस थ्री एक लीनियर पावर है और ये क्वाड्रेटिक है, दो फंक्शन मौजूद है हमारे पास। लीनियर फैक्टर को हम ब्रेक करते हैं तो ऊपर सिर्फ a आएगा और नीचे इसका लीनियर फैक्टर, और क्वाड्रेटिक फैक्टर को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो ऊपर आएगा बी एक्स प्लस सी और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस थ्री और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ a से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, किससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस थ्री से, और ये वाली टर्म अभी यहाँ पे एज इट इज मौजूद है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ए एक्स स्क्वायर ए वन जा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस थ्री सी इज इक्वल्स टू वन। डिनोमिनेटर दोनों के हमने कैंसिल कर दिए, राइट, दोनों साइड के डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के टर्म्स कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट हमने कॉमन ले लिए, फिर हम एक्स के कोफिशियंट को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस थ्री बी प्लस सी, एक्स के कोफिशियंट को हमने कॉमन ले लिया और कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या रह गए ए माइनस थ्री सी। अब इसको कंपेयर करेंगे कोफिशियंट्स को, कंपेयर दी कोफिशियंट्स, हमारे पास तीन इक्वेशन बन जाएंगी a प्लस बी। अब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पे मौजूद नहीं है तो ये इक्वल होगा जीरो पे, फिर माइनस थ्री बी प्लस सी, एक्स का कोफिशियंट भी नहीं है तो ये भी इक्वल होगा जीरो पे। उसको लेबल करते रहें, ये वन है ये टू है और a माइनस थ्री सी जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारे पास मौजूद है जो कि इक्वल है वन के, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर थ्री हो गई। अब क्या करेंगे, तीन इक्वेशन मौजूद हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। ये जो हमारे पास इक्वेशन वन है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए इज इक्वल्स टू माइनस बी, राइट। तो इक्वेशन थ्री में इसको पुट करेंगे और इक्वेशन थ्री में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस थ्री सी है तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस थ्री सी इज इक्वल्स टू वन, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा बी माइनस थ्री सी और माइनस यहाँ पे आके माइनस वन हो जाएगा। अब b माइनस थ्री सी इज इक्वल्स टू माइनस वन है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं 3 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हो जाएगा मेरे पास 3b माइनस थ्री थ्री इज 9c माइनस थ्री, राइट। और इक्वेशन 2 मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो कि है माइनस 3b प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास है ये प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस आएगा, नाइन प्लस वन हो जाएगा टेन सी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस थ्री अपॉन टेन। तो यहाँ से हमने सी की वैल्यू तो निकाल ली, अब सी की वैल्यू के बाद हम जाएंगे इसको पुट करेंगे सी की वैल्यू को, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थ्री। तो इक्वेशन थ्री में जब सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ए का रिजल्ट आ जाएगा, तो ए इक्वल हो जाएगा वन प्लस थ्री सी के
और सी क्या है, माइनस थ्री अपॉन टेन। तो वन माइनस थ्री थ्री नाइन अपॉन टेन, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, और ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कैल्सियम ले लीजिए, टेन माइनस नाइन वन अपॉन टेन, तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई। अब ये जो ए और बी की, ए और सी की वैल्यू आ गई, और आपको यहाँ से पता है कि ए इज इक्वल टू माइनस बी है, इक्वेशन वन से आपको पता था कि ए इज इक्वल टू माइनस बी है, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ माइनस ए कर दीजिए, यानी कि बी इक्वल हो जाएगा माइनस वन अपॉन टेन के। तो ए बी सी तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब ये तीनों वैल्यूज उठाएंगे और अपनी इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इसको ए कह दें कैपिटल है और इसको बी कह दें, इक्वेशन बी में पुट करेंगे, तो यहाँ से हम ए बी सी तीनों वैल्यूज पुट करते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन बी, तो ए किसके इक्वल है, वन अपॉन टेन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टेन एक्स माइनस थ्री, प्लस बी की वैल्यू क्या है, माइनस वन अपॉन टेन, और साथ में एक्स मौजूद है, या हम इस तरह से करें इसको कि बी की वैल्यू माइनस वन अपॉन टेन, साथ में एक्स है, प्लस सी की वैल्यू है माइनस थ्री अपॉन टेन, और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो वन अपॉन टेन एक्स माइनस थ्री, माइनस वन अपॉन टेन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा, या प्लस ही रहने दें इसको, माइनस एक्स माइनस थ्री, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये मेरे पास डिकम्पोज होके रिजल्ट आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसको उठाना है और इक्वेशन ए में पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में पुट करने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल डी एक्स, या इसको इस तरह से लिखें, वन अपॉन टेन एक्स माइनस थ्री प्लस वन अपॉन टेन, वन अपॉन टेन अंदर है माइनस एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स, यानी कि ये जो फैक्टर था अंदर वन अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इस पूरे के इक्वल आ गया। तो अब इसको सिंपल इंटीग्रेट करना है, तो वन अपॉन टेन को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, और इसका सेपरेट करते हैं और इसका इंटीग्रल सेपरेट करते हैं, वन अपॉन टेन रूट से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इसको सेपरेट करते हैं, और माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन को सेपरेट, साथ में डीएक्स। तो ये तो है वन अपॉन टेन, और वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है ऊपर मौजूद है, तो सिंपल एल एन एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। यहाँ पे वन अपॉन टेन, अब ये एक्स स्क्वायर है, अब ये एक्स स्क्वायर है तो ऊपर इसका डेरिवेटिव एक्स मौजूद है सिर्फ, लेकिन मुझे टू एक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई भी करूंगी और टू से डिवाइड भी करूंगी, राइट। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम इसका इजीली इंटीग्रल निकाल सकते हैं, तो वन अपॉन टेन तो मौजूद ही है, तो ऊपर जो माइनस टू एक्स है, अब ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि डेरिवेटिव जब ऊपर मौजूद होता है तो सिंपल एल एन ऑफ जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है वो लेते हैं, माइनस अब एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इक्वल होता है टेन इनवर्स एक्स के, अगर मैं इसका इंटीग्रल निकालूँ तो थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इन दी एंड रिजल्ट मेरे पास आएगा वन अपॉन टेन एल एन एक्स माइनस थ्री प्लस
प्लस वन अपॉन टेन, इसको चाहे तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं ऐसे ही, माइनस वन अपॉन टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसका पार्ट डी भी कंप्लीट कर लिया और इंटीग्रल सॉल्व कर लिया और इजीली हमारा आंसर भी आ गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि यहाँ पे तो हमने इसके सारे ही कर लिए, ए बी सी और डी भी कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन वन प्लस एक्स एट बी इज इक्वल टू टू। अब ये क्वेश्चन एज इट इज आपके पास पेज नंबर 117 में सॉल्व मौजूद है, यूनिट नंबर फोर का क्वेश्चन है ये, जो कि पेज नंबर 117 में बुक में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं और देख लेते हैं वो किस तरह से सिंप्लीफाई हुआ है। हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन वन प्लस एक्स और जो टेलर सीरीज निकालनी है उसका पॉइंट भी हमें गिवन है एट बी इज इक्वल टू टू। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना फंक्शन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन वन प्लस एक्स। अब यहाँ पे x की जगह पे मुझे 2 पुट करना है, तो जैसे ही मैं f ऑफ 2 पुट करूंगी, यानी कि x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, 1 प्लस 2 पुट करेंगे, तो मेरे पास f ऑफ 2 का रिजल्ट आ जाएगा जो कि होगा ln 3। तो ये पहली टर्म तो यहाँ से निकलेगी, चार टर्म्स हमने बनानी है, तो f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ln 3। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एल एन वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स, सिंपल। और ये इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वन प्लस एक्स जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस वन हो जाएगी, और जब मैं एक्स की जगह पे टू पुट करूंगी तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा वन प्लस टू की पावर माइनस वन, तो वन प्लस टू की पावर माइनस वन यानी कि थ्री की, वन प्लस टू इज थ्री, थ्री की पावर माइनस वन जो कि इक्वल होगा वन अपॉन थ्री के। तो मेरे पास f डैश ऑफ टू का भी रिजल्ट आ गया, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने पॉइंट टू भी पुट कर दिया, ये सेकंड टर्म बनेगी इसमें से। अब थर्ड टर्म के लिए इसका डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब फंक्शन है वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन, तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर रूल लगाइए, माइनस वन नीचे आ जाएगा और वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन ये माइनस टू हो जाएगी, और जब इस पर टू पुट करेंगे हम तो माइनस एक्स की जगह पे टू पुट करें, टू प्लस वन थ्री पावर माइनस टू हो जाएगी, और एफ डबल डैश ऑफ टू हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन थ्री का स्क्वायर जो कि इक्वल होगा वन अपॉन नाइन के। तो डबल डेरिवेटिव का भी रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब एक और टर्म निकालते हैं, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं, पावर रूल लगाइए, माइनस टू नीचे आ जाएगा तो माइनस वन माइनस टू प्लस का टू हो जाएगा, और वन प्लस एक्स इसकी पावर माइनस टू माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ जब टू पुट करेंगे तो टू, वन प्लस एक्स, वन प्लस टू इज थ्री माइनस थ्री, तो ये इक्वल हो जाएगा एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ टू इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री की पावर थ्री नीचे आ जाएगी, थ्री की पावर थ्री जो कि इक्वल होगा टू की पावर टू अपॉन की पावर थ्री इज 27। तो शुरू की चार टर्म्स हम इससे बना लेंगे क्योंकि सवाल में चार टर्म्स के बारे में ही पूछा गया है। तो टेलर सीरीज का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, टेलर सीरीज बेसिकली हमारे पास होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टू प्लस x माइनस, ए की वैल्यू टू है तो x माइनस टू ही पुट करेंगे यहाँ पे, f डैश ऑफ टू प्लस x माइनस टू का स्क्वायर
अपॉन टू फैक्टोरियल और साथ में डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स माइनस टू पावर हो जाएगी अब थ्री, साथ में थ्री फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश ऑफ टू। सारी वैल्यूज हमने निकाली हुई है, बस पुट करनी है। एफ ऑफ टू किसके इक्वल है, एफ ऑफ टू एल एन थ्री के इक्वल है, प्लस एक्स माइनस टू एफ डैश ऑफ टू इक्वल है वन अपॉन थ्री के, प्लस एक्स माइनस टू का स्क्वायर, टू का फैक्टोरियल टू ही रहेगा, एफ डबल डेरिवेटिव इक्वल है वन अपॉन नाइन के, प्लस एक्स माइनस टू का क्यूब थ्री फैक्टोरियल, ये इक्वल होता है हमारे पास थ्री टू जा सिक्स के, और ये इक्वल आएगा टू अपॉन ट्वेंटी सेवन। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, सिर्फ ये कैंसिल हो रहा है, टू वन जा टू, टू थ्री जा ट्वेंटी सेवन। ओके, तो मेरे पास अब फाइनल रिजल्ट एफ ओ फिक्स का आएगा। एफ ओ फिक्स की वैल्यू भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, जो कि है एल एन वन प्लस एक्स, ये इक्वल आएगा एल एन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री एक्स माइनस टू, और यहां से मेरे पास आएगा होगा क्योंकि ये माइनस में था। ओके, माइनस वन अपॉन नाइन टू जा एटीन, साथ में एक्स माइनस टू का स्क्वायर, और फिर लास्ट में 27 इंटू थ्री इज 81 प्लस 1 अपॉन 81 साथ में x माइनस टू का क्यूब। तो चार टर्म का हमें कहा था, तो हमने चार टर्म्स निकालनी है, पांच में निकालने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे हम अपना क्वेश्चन एंड करते हैं और यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा, राइट। तो इस तरह से हमने टेलर सीरीज फॉर्म कर ली है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर फोर भी कंप्लीट कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर फाइव पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में ए बी सी हमारे पास तीन वर्टिसेस ट्राइंगल के गिवन है और हमने इक्वेशन निकालनी है मीडियन थ्रू ए, यानी कि ट्राइंगल में एक मीडियन जो कि वर्टिक्स ए से गुजर रहा है उसकी इक्वेशन निकालनी है, और राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ए सी। राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि ए सी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है 90 के एंगल पे, बाइसेक्ट मीन इक्वली पार्ट में कट कर रही है 90 डिग्री पे। तो ये हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है 7.6 का क्वेश्चन नंबर वन, और इसका पार्ट वन और पार्ट थ्री सेम यही क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव का है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखने के लिए आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं जो मैंने 7.6 की वीडियो डाली हुई है, और यहाँ पे भी मैं इसका सॉल्यूशन अटैच कर देती हूँ। वन में हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, लेट्स से ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है, और ये कोई भी ट्राइंगल है, तो हम इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से ये इसकी फर्स्ट साइड है, ये हमने ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ किया, राइट। इसको हम नेम दे देते हैं, दिस इज योर ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास हैं 2.5, दिस इज योर बी। ये एक सपोजिशन हमने की हुई है ट्राइंगल की, बेसिकली ये ट्राइंगल ऐसा होगा नहीं अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली मतलब इसको ड्रॉ करें। ये तो हमने रफली ट्राइंगल ड्रॉ किया है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, और यहाँ पे जो इसके वर्टिसेस हैं इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है। तो पार्ट वन में हमसे पूछा जा रहा है, वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट वन फर्स्ट। तो पार्ट वन में हमसे पूछा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो यहाँ पे तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीडियन। मीडियन आपको पता होना चाहिए, मीडियन हम अच्छा थ्रू ए की बात कर रहे हैं, यानी कि आपको ए से मीडियन ड्रॉ करना है। तो मीडियन इज बेसिकली अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, एंड व्हाट इज द अपोजिट साइड, बी सी इज द अपोजिट साइड। अगर मैं बी सी का मिड पॉइंट देखूं, तो लेट से कि ये मेरे पास मिड पॉइंट है बी सी लाइन का, जिसको मैंने कह दिया कि ये एम है कोई, राइट। इसके कोऑर्डिनेट्स अभी हमें पता नहीं है, कोऑर्डिनेट्स हम मिड पॉइंट के निकाल भी सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने पहले भी मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकाले हुए। अब हमने क्या करना है, या मीडियन होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी लाइन, अच्छा वर्टेक्स हमें दिया हुआ है कि आपको ए वर्टेक्स से ही मीडियन ड्रॉ करना है, तो वर्टेक्स से लेके इसके ऑपोजिट साइड की लाइन के मिड पॉइंट तक, दिस लाइन इज कॉल्ड मीडियन।
वर्टेक्स ए से लेके ऑपोजिट लाइन के मिड पॉइंट तक। तो ये मिड पॉइंट तक हमने एक लाइन ड्रॉ की, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस वाली लाइन की, राइट हमें एक वर्टेक्स का पॉइंट गिवन है, मीडियन फाइंड आउट करना है, ए पॉइंट ए वर्टेक्स ए से मीडियन फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब यह है कि मीडियन इज बेसिकली द लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ए टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, राइट। मतलब कि बीसी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, तो बेसिकली दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा इसकी इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी सी, मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी सी। और मिड पॉइंट हमने देखा हुआ है कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू करके, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू करेंगे तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, फिर वाई वन प्लस वाई टू करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे तो वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे लेट से ये एक्स वन वाई वन है और ये एक्स टू वाई टू है, तो मिड पॉइंट किस तरह से निकलेगा, मिड पॉइंट हमने जिसको एम कहा हुआ है, एम एक्स वाई, तो एक्स वन क्या है यहाँ पे 3, एक्स टू क्या है यहाँ पे 0 अपॉन 2, वाई वन क्या है यहाँ पे 7, वाई टू क्या है 8 अपॉन 2। 3 प्लस 0 इज 3 अपॉन 2, 8 प्लस 7 इज 15 एंड दिस इज योर 15 अपॉन 2। तो हमारे पास इस मिड पॉइंट की तो वैल्यू आ गई, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए जो कि है 3 अपॉन 2 और 5 15 अपॉन 2। अब स्टूडेंट ये तो कोई नई बात है ही नहीं कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि दो पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक पॉइंट है हमारे पास पॉइंट ए का जिसको हम कह रहे हैं 2,5, एंड दूसरा पॉइंट है जो हमने अभी निकाला है एम का, और एम के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 अपॉन 2 और 15 अपॉन 2। वी हैव टू फाइंड आउट द लाइन जिसके पॉइंट्स ए और एम हैं, राइट ए और एम इसके पॉइंट्स हैं, हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम कौन सा टू पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, टू पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, टू पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और टू पॉइंट्स की इक्वेशन हमें क्या कहती है, टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, ये जो स्लोप होता है यहाँ पे, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स वन। तो आप इसको कंसीडर कर लें यहाँ पे कि ये आपके पास एक्स वन का पॉइंट है, ये वाई वन का पॉइंट है, ये आपके पास एक्स टू का पॉइंट है और ये आपके पास वाई टू का पॉइंट है। इसको लिखना चाहें तो अलग से आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं टू पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन की, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, y माइनस वाई वन की वैल्यू 5, वाई टू की वैल्यू 15 अपॉन 2, माइनस वाई वन दैट इज 5 अपॉन एक्स टू यानी कि 3 अपॉन 2 माइनस एक्स वन इज 2 और यहां से x माइनस एक्स वन इज 2, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वाई माइनस फाइव इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 LCM लीजिए तो ये 15 माइनस 5 2 10 हो जाएगा और नीचे जो 2 आएगा वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक स्टेप यहाँ पे स्किप करते हैं, 3 माइनस 2 2 4 और यहाँ पे रह जाएगा एक्स माइनस टू, राइट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, अगले स्टेप में आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, y माइनस फाइव, 15 माइनस 10 इज 5 एंड 3 माइनस 4 इज -1, एक्स माइनस टू, राइट। अब ये जो -1 है इधर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस वाई माइनस माइनस प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 5x-2। अब ये 5x है, माइनस फाइव राइट साइड पे जाएगा, माइनस वाई राइट साइड पे जाएगा तो प्लस वाई फाइव राइट साइड पे जाएगा तो माइनस फाइव हो जाएगा, ये 5 2 10 होगा ना यहाँ पे,
ये प्लस फाइव राइट साइड पे जाएगा तो माइनस फाइव हो जाएगा, तो -10 -5 इज -15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। और ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पे लास्ट में आप लिखिएगा अभी कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, यानी कि हमने ये वाला पार्ट इसमें कर लिया है कि हमने मीडियन फाइंड आउट कर लिया है, जो कि ए वर्टेक्स ए से ए का मीडियन था। स्टूडेंट अब हम पार्ट टू इसका करने जा रहे हैं, और पार्ट टू में हमसे जो पूछा गया है वो है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वी। ऑफ एल्टीट्यूड पता होना चाहिए कि व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की लाइन पता होगी तभी हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ये डेफिनेशन सारी क्लियर होंगी तभी आप आगे काम कर सकते हैं। एल्टीट्यूड थ्रू बी यानी कि इस वर्टेक्स से मुझे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि एक पॉइंट तो इस वर्टेक्स का ही होगा जो कि हमें लेना है, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो इसके बिल्कुल जो सामने लाइन है एक यहाँ पे पॉइंट होगा, लेकिन वो कैसा पॉइंट होगा जो अपने ए सी लाइन के परपेंडिकुलर होगा। बेसिकली द लाइन ऑफ एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू ए सी, राइट। अब परपेंडिकुलर टू ए सी का मतलब ये है कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि 90 का एंगल मुझे बनाना है। लेट से यहाँ पे कहीं ये 90 का एंगल ही बन रहा होगा, अगर आप इसको प्रॉपर बनाएंगे तो कहीं यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होगा, ये वाला एंगल। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस पॉइंट से जहां पे वो 90 का एंगल बना रहा है और वर्टेक्स बी से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो हम करते हैं इस तरह से। इस तरह से अब ये जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे इट शुड बी 90। यहाँ पे अगर आपको 90 का नहीं लग रहा तो ये मैंने रफ सा बनाया है, लेकिन ये बॉक्स का मतलब यही है कि 90 का एंगल बनना चाहिए यहाँ पे। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इस वर्टेक्स से पास हो रहा है और इस लाइन पे 90 का एंगल बना रहा है, ये लाइन की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। अब ये ऑब्वियसली मिड पॉइंट तो होगा नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट जो था वो बिल्कुल मिड से पास हो रहा था। अब ये मिड पॉइंट तो आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि ए का डिस्टेंस देखें और ये सी का डिस्टेंस देखें, तो ये मिड पॉइंट तो है नहीं। तो हमें अब क्या करना है, अब आपको ये पता है कि एक ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है लाइन ए सी के, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, लेट से हमने इसको नाम दे दिया डी का, राइट। अब लाइन बी डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए सी, तो अगर हम ए सी का स्लोप निकाल लें तो बी डी का स्लोप निकालना भी आसान है। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो इनके स्लोप्स नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर्स हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ लाइन ए सी, जिसको हम M1 कहेंगे, स्लोप ऑफ ए सी जिसको हमने कहना है क्या M1, राइट। अब ए और सी दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 5, इसको आप कह लें X1 Y1 और इसको कह लें X2 Y2, और स्लोप कैसे निकलता है Y2 - Y1 अपॉन X2 - X1 करके। Y2 की वैल्यू 8, Y1 की 5, X2 की 0 और ये 2, 0 - 2। 8 - 5 इज -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो यहाँ पे मेरे पास M1 की वैल्यू आ गई 3/2। एट माइनस फाइव प्लस का 3 होगा ना, तो यहाँ पे -3/2 मेरे पास वैल्यू आएगी। अब हमारे पास M1 का स्लोप आ गया, यानी कि इस लाइन का लाइन AC का स्लोप आ गया। अब जो लाइन बी डी है हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी डी लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए सी लाइन। तो जो बी डी लाइन का स्लोप होगा जिसको हम M2 कहेंगे, M2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ए सी लाइन, टू द स्लोप ऑफ ए सी लाइन। तो M2 कैसे निकलेगा यहाँ पे, M2 आपका निकलेगा माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/3। माइनस माइनस प्लस होके रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो M2 का स्लोप भी हमारे पास आ गया, यानी कि जो लाइन हमें फाइंड आउट करनी है उसका स्लोप हमारे पास आ गया। तो
तो एक लाइन आपके पास मौजूद है और एक उसका स्लोप भी मौजूद है, मतलब लाइन का मतलब ये कि एक पॉइंट आपके पास मौजूद है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जिसको हमने नाम दिया हुआ है लाइन बी डी का. अब हमें बी पॉइंट गिवन है जो कि है 37, और इसका स्लोप भी हमें गिवन है, स्लोप इज 2/3. तो यहां पे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे. और पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हुए जो कि होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m, m स्टैंड फॉर स्लोप, x माइनस एक्स वन. इसको आप एक्स वन वाई वन कह लें. तो वाई वन की वैल्यू है 7, स्लोप है हमारा 2/3, और एक्स वन की वैल्यू यहां से आएगी जो कि है 3. 3 को इधर ले जाइए मल्टीप्लाई करवाने के लिए. 3 मल्टीप्लाई होगा वाई माइनस सेवन से और 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस थ्री से. तो ये हो जाएगा 3y माइनस 7, 3 21 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 2 6. तो ये 2x है, 3y राइट साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 6 ऑलरेडी मौजूद है, प्लस का 21, माइनस 6 प्लस 21 इज प्लस 15, और दूसरी साइड पे 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू बी. तो ये प्रोसीजर है एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड आउट करने का. कि हमने पहले क्या किया, इसको इसको स्लोप निकाला एसी लाइन का, और ये कहा कि बी डी लाइन इज परपेंडिकुलर टू एसी, देयरफॉर देयर स्लोप इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर. स्टूडेंट इसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं, और पार्ट 3 में हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड एसी. अब स्टूडेंट इन दोनों में फर्क समझिएगा कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है. एल्टीट्यूड तो ये होता है कि भाई आपके पास वो जो लाइन है, एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि वो किसी वर्टेक्स से पास हो रही है, जिस तरह ये थ्रू बी लिखा हुआ था, और यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे 90 का एंगल बना रही है. लेकिन राइट बाइसेक्टर ये होता है एसी लाइन का, राइट बाइसेक्टर. पहले बाइसेक्टर का मतलब है दो सेक्टर, यानी कि दो सेक्टर, दो इक्वल सेक्टर, यानी कि कोई भी लाइन मिड पॉइंट से कट हो रही है, राइट. तो ये राइट बाइसेक्टर होता है, यानी कि मुझे एसी लाइन का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन दिस पॉइंट दैट इज कॉल्ड एम, यानी कि इसका मिड पॉइंट. अब राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि यहां से मिड पॉइंट से 90 का एंगल बनाते हुए वो लाइन जाएगी, और 90 का एंगल बनाते हुए वो लाइन जाएगी, और दिस इज कॉल्ड द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड एसी. और अब ये जब राइट बाइसेक्टर होगी तो जरूरी नहीं है कि इसके वर्टेक्स से भी ये पास हो, इसके वर्टेक्स से ये पास नहीं होगी, मतलब जरूरी नहीं है कि इसके वर्टेक्स से भी पास हो. ये 90 का एंगल लेट से कहीं इस तरह से बना रही होगी तो वो यहां से पास हो सकती है, मतलब वर्टेक्स से पास नहीं हो रही. ये मैंने जानबूझ के इसको वर्टेक्स से दूर बनाने की कोशिश की है ताकि आपको चीज क्लियर हो सकता है कोई इस तरह की लाइन हो. तो मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास इसके मिड पॉइंट से इसको बाइसेक्ट कर रही है, और राइट बाइसेक्टर का मतलब है, राइट का मतलब है 90 का एंगल बनाते हुए. तो स्टूडेंट यहाँ पे दो चीजें बहुत क्लियरली आपको पता होनी चाहिए कि एक तो ये राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर का मतलब ये कि 90 का एंगल बन रहा है, जहां पे 90 का एंगल बन रहा है तो अगर हम एसी लाइन का स्लोप निकाल लें तो इस लाइन का स्लोप भी हमारे पास आ जाएगा, राइट. अब ये इसको आप चाहे कोई नाम दे दें या चाहे इसको वर्टेक्स बी में से, मतलब ये तो ऑप्शन है कि ये वाली लाइन बी में से पास हो रही है नहीं हो रही, लेट से हमने इसको कोई रैंडम नाम दे दिया एन का, जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स बी से ही पास हो भी सकती है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ये इसी वर्टेक्स से पास हो. तो मुझे एम एन लाइन का स्लोप निकल आएगा, वो किस तरह से निकलेगा कि ए सी लाइन का जो स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा एम एन लाइन का स्लोप, तो स्लोप निकल आएगा, और इस एम का पॉइंट भी आराम से निकल आएगा. फर्स्टली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट, यानी कि एम मिड पॉइंट ऑफ ए सी जिसको हमने नाम दे दिया एम का, दे दें एम इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट कैसे निकाला, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाला था मीडियन वाले में, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू करके. तो एम किस तरह से निकलेगा, 2 प्लस 0 अपॉन 2,
और वाई का कैसे निकलेगा, 5 + 8/2 करके। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 2/2 और यहां से 13/2। तो एम के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास आ गए जो कि है 1, 13/2। अब मुझे स्लोप चाहिए और स्लोप हमने इसे पहले निकाला हुआ भी है कि ऐसी लाइन परपेंडिकुलर लाइन एसी का स्लोप निकाल लेते हैं जिसको हमने M1 का नाम दिया, जिसको हमने M1 का नाम दिया है और M1 y2 - y1। यहाँ पे y2 क्या है, 5 - 8 या 8 - 5 कर सकते हैं, 8 - 5 और 0 - 2। 8 - 5 इज 3/-2। जब स्लोप ऑफ ए सी हमने निकाल लिया तो स्लोप ऑफ एम एन भी हम इजीली निकाल सकते हैं, जो M2 है और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 2/3 इसका स्लोप होगा क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एम एन। अब जो इक्वेशन ऑफ एम एन लाइन है उसके लिए एक पॉइंट हमें गिवन है, यानी कि एम का पॉइंट हमें गिवन है 1 और 13/2, और दूसरा ये किसका स्लोप भी हमें गिवन है जो कि है 2/3। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हुए फॉर्म ऑफ इक्वेशन y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। तो y1 क्या है यहाँ पे, 13/2, स्लोप क्या है 2/3, x1 क्या है 1। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2y - 13 और नीचे जो 2 था वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा x - 1, और जो ये डिनोमिनेटर में 3 था वो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6y, 13 3 39 इज इक्वल्स टू 4x - 4। तो ये 4x है, 6y जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 39 जब राइट साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -4 + 39 ये हो जाएगा +35 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर निकाल ली। बहुत सेम सेम लगता है बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड, तो दोनों में फर्क रखिएगा, दोनों की इक्वेशंस डिफरेंट आई हैं, इसका मतलब है कि फर्क है दोनों में। एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि यहाँ से जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट से पास हो, कहीं से भी पास हो सकती है लेकिन उस वर्टेक्स से मिलना जरूरी है, लेकिन राइट बाइसेक्टर का जरूरी नहीं है कि वो इस वर्टेक्स से मिले और वो मिड पॉइंट से ही क्रॉस होगी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 25 व्हिच इज पैरेलल टू 3x + 4y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड पार्ट बी इज परपेंडिकुलर टू 3x + 4y + 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम उसको डिटेल से दोबारा सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि पैरेलल लाइंस और इसकी परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट की किस तरह से फाइंड आउट होती है, यानी कि अगर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है कैसे सर्किल की जो कि पैरेलल है इस लाइन के और परपेंडिकुलर है इसी लाइन के। तो पार्ट ए हम कर लेते हैं, जो कि पैरेलल है 3x + 4y + 1 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन करते हैं हम, तो मेरे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इट्स मीन वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे फाइंड आउट करनी है, और दूसरा ये है कि सर्किल मुझे गिवन है जो कि है x² + y² इज इक्वल टू 25 और पैरेलल है, पैरेलल टू 3x + 4y + 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि लेट से कि मेरे पास यहाँ पे एक सर्किल गिवन है इस तरह से और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो मुझे फाइंड आउट करनी है, और एक लाइन है जो उसके पैरेलल है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। यानी कि यहाँ पे जो चीजें हमें गिवन है वो दोबारा से सुनिएगा स्टूडेंट। एक तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, ये हमें गिवन है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, राइट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमसे पूछी गई है, और ये जो पैरेलल लाइन है जो कहीं दूर है और इस टेंजेंट के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन भी हमें दी हुई है 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमने फाइंड आउट करनी है इस टेंजेंट की इक्वेशन। तो स्टूडेंट करना क्या है कि ये सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाएगी कि यहाँ से जो इक्वेशन गिवन है हमें, यहाँ से हम इसका स्लोप निकालेंगे, राइट। जब इसका स्लोप आ जाएगा तो इस लाइन का भी स्लोप सेम ही होगा, क्योंकि हमें ये बात पता है कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो इनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो पहला स्टेप हम ये करते हैं कि हम जो ये पैरेलल लाइन है इसको हम नेम दे देते हैं, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। तो जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन या गिवन लाइन जो है वो क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करते हैं, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1, ये दोनों जब राइट साइड पे आएंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4x और माइनस 1 बाय 4। जब इसको कंपेयर करेंगे हम इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, या b हमने लिया था लास्ट टाइम, कुछ भी ले सकते हैं b या c, ये y इंटरसेप्ट होता है। तो कंपेयर करने से जो मुझे स्लोप मिलेगा ये मिलेगा माइनस 3 अपॉन 4। तो इसका मतलब ये है कि हमने स्लोप तो फाइंड आउट कर लिया इस लाइन का, जो कि ये लाइन का और ये लाइन स्लोप इक्वल होंगे, तो हमने स्लोप तो फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्किल जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। यहां से भी अगर मैं स्लोप निकालूं टेंजेंट लाइन का तो वो निकलेगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव कीजिए तो ये आएगा 2x, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिए 2y dy अपॉन dx, और 25 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, तो dy अपॉन dx ये माइनस 2x हो जाएगा और 2y डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 2 खत्म हो गया और यहाँ पे मेरे पास रह गया माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ये जो स्लोप आया है डीवाई अपॉन डी एक्स बेसिकली स्लोप ही होता है, माइनस एक्स अपॉन वाई, यानी कि इस लाइन का स्लोप माइनस 3 अपॉन 4 भी है और इस लाइन का स्लोप माइनस एक्स अपॉन वाई भी है जो हमने सर्किल की हेल्प से निकाला है। तो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन, इन दोनों स्लोप्स को इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल भी है इसके और इस सर्कल की हेल्प से भी हमने इसका स्लोप निकाल लिया, तो माइनस एक्स वाई शुड इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4। तो माइनस से ये माइनस खत्म हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3y या 4x इज इक्वल टू 3y, और मुझे अगर यहाँ से y फाइंड आउट करना है तो y की वैल्यू हो जाएगी 4x अपॉन 3। ये भी हमने y की वैल्यू निकाली जो कि है 4x अपॉन 3। y की वैल्यू है इसको हम उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे y की जगह पे, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, y की जगह पे आ जाएगा 4x अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। इसको सॉल्व कर लें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 25। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ फर्दर तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा 9x स्क्वायर है, 9 डिनोमिनेटर में भी तो है जो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
25 इंटू 9 हो जाएगा, 25 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 225। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट लेने के बाद प्लस माइनस 3। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक आई है एक्स की वैल्यू 3 और दूसरी एक्स की वैल्यू आई है माइनस 3। तो ये दोनों जो एक्स की वैल्यूज हैं इनको हम उठाएंगे बारी बारी और इस इक्वेशन में इसको मैं 3 का नाम दे देती हूँ, 3 में पुट कर देंगे ताकि हम वाई की वैल्यू निकाल सकें। पुट इन इक्वेशन 3 दोनों वैल्यूज को, तो यहाँ से वाई आ जाएगा 4x की जगह पे 3 पुट करेंगे 4x, तो ये कैंसिल होके y की वैल्यू आ जाएगी 4। और यहाँ पे भी y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो y इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो ये दो सेट्स बन गए हमारे पास, एक x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 4 और दूसरी x की वैल्यू माइनस 3 पे y की वैल्यू है माइनस 4। तो ये दो सेट्स बन गए, इसका मतलब है दो टेंजेंट लाइन ऐसी पॉसिबल हैं जो कि पैरेलल हो सकती हैं 3x प्लस 4y प्लस 1 के, और वो इस सर्किल पे टेंजेंट भी होंगी। एक पेयर बन जाएगा 3, 4 का और दूसरा पेयर बनेगा -3, -4 का। तो सबसे पहले तो हम स्लोप निकाल लेते हैं इनका जो कि माइनस एक्स अपॉन वाई था। तो पहले हम कंसीडर करते हैं 3, 4 वाला पॉइंट, तो ये कंसीडर करते हुए स्लोप क्या आ जाएगा -3/4। तो अब पॉइंट भी आ गया और स्लोप भी आ गया, तो अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इजीली बना सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, क्योंकि एक पॉइंट की हमें नीड होती है और एक स्लोप हमें चाहिए होता है। वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे एक्स वन वाई वन की वैल्यू जो कि एक्स वन की है 3, वाई वन की है 4 और स्लोप भी हमने निकाला हुआ है। y1 की है 4 और स्लोप क्या है -3/4, x माइनस एक्स वन की क्या है 3, 4 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो 4y माइनस 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू -3x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 3x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 4y, अब -16 प्लस 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा और ये आ जाएगा -25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमने एक इक्वेशन तो निकाल ली है 3, 4 वाले पॉइंट से, अब दूसरा पॉइंट यूज करते हुए इसकी दूसरी इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं, नाउ कंसीडर -3, -4 और उसी तरह पहले स्लोप निकाल लेंगे जो कि इक्वल है -x/y के। तो अब x की वैल्यू क्या है -3 और y की है -4, तो एक माइनस खत्म हुआ तो रिजल्ट में आया -3/4, राइट। स्लोप तो हमने पहले भी निकाला हुआ था, दोनों का स्लोप -3/4 ही आ रहा था, तो यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया कि दोनों पॉइंट से स्लोप -3/4 ही आएगा। तो अगर आप स्लोप नहीं भी निकालते तो इट्स ओके, क्योंकि हमें स्लोप के बारे में पता था वो -3/4 ही था। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने निकालनी है जो कि इक्वल होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब जो पॉइंट वाई वन का जाएगा ये है -4, स्लोप हमें पता है -3/4 और एक्स वन का पॉइंट है -3, तो ये जाएगा 4 यहाँ तक मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 4 से और यहाँ पे है -3 और साथ में है x माइनस माइनस प्लस 3, जाएगा 4y प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू -3x प्लस प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, तो -3x इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस 4y माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 16 के साथ ऐड होके प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये दो पॉसिबल लाइंस हैं जो कि पैरेलल होंगी इस लाइन के जो कि हमें गिवन लाइन है और टेंजेंट होंगी इस सर्किल के, तो ये दो पॉसिबल हमारे रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो अगला पार्ट है जिसमें हमने परपेंडिकुलर निकालना है, तो आपको सेम प्रोसीजर यही फॉलो करना है सिवाय इसके कि जब हमने स्लोप को इक्वल किया था अब आपने स्लोप को नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि हमें पता है जब लाइन पैरेलल ना हो बल्कि परपेंडिकुलर हो तो इनके स्लोप होते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यानी कि अगर मुझे m2 निकालना है और m1 मेरे पास मौजूद है
तो मैं उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो मेरे पास सेकेंड लाइन का स्लोप आ जाएगा अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो होपफुली कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट खुद ही कर लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर लाइन है, बाकी इक्वेशन वगैरह सब सेम है। तो आप इसी क्वेश्चन से हेल्प लेते हुए आप इसकी परपेंडिकुलर लाइन भी फाइंड आउट कर लीजिए, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कीजिए जो कि परपेंडिकुलर होगी 3x + 4y + 1 = 0 के, राइट। तो इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। 6 तो हमने कर लिया, और 7 है फाइंड सेंटर फोसाई इसेंट्रिसिटी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला, और हाइपरबोला की इक्वेशन हमें गिवन है। ये हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल मौजूद है यूनिट 9 का पेज नंबर 334 पे। तो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे दोबारा से सॉल्व करके डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगी। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है जो कि है 16y² - 9x² + 36x + 64y - 116 = 0, राइट। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है इसको सॉल्व करते हुए, हमने वो सब चीजें निकालनी है, इसका सेंटर, इसका फोसा, इसकी सेंट्रिसिटी और इसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं हाइपरबोला के। तो ये जो हाइपरबोला है अगर मैं इसके टर्म्स को अरेंज करूँ इस तरह से, तो ये 16y² + 64y को एक साथ करके लिख दें, और दूसरी टर्म्स है मेरे पास अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 9x² और 36x में से माइनस कॉमन लेके = 116, राइट। तो अगर यहाँ से हमारे पास 16 कॉमन आ रहा है और अंदर रह जाएगा y² + 4y, और यहाँ से -9x² - 4x = 116, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो ये y² + 4y, अब हम इसमें क्या ऐड करवाएं कि इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, यानी कि a² + 2ab + b² में यहाँ पे हमने 4 यहाँ पे ऐड करवाना पड़ेगा, और जब इस साइड पे हमने 4 ऐड करवाना है तो ऑब्वियसली सेम प्रोसीजर हमने दूसरी साइड पे भी करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू के बाद 116 में भी हम 16 4 64 ऐड करवा देंगे, फिर 4 ऐड नहीं करवाएंगे। यहाँ पे 4 तो हमने ब्रैकेट के अंदर ऐड करवाया है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये 4 16 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 4 64 आ जाएगा यहाँ पे। और इसी तरह इस साइड पे भी सेम इसी तरह से प्रोसीजर हमें करना है, -4x, तो यहाँ पे भी मुझे 4 चाहिए स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, और 9 4 36 और माइनस के साथ है, तो -36 मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, तो मुझे यहाँ पे भी -36 दोनों साइड पे करवाना होगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो अब a² + 2ab + b² = हो जाएगा y + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सेम x - 2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये रिजल्ट देगा 144, राइट। अब इसको अगर मैं 144 से डिवाइड करवा दूं, डिवाइड बोथ साइड बाय 144, तो ये मेरे पास आ जाएगा y + 2 का होल स्क्वायर। 16/144 अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आता है 9, मतलब 1/9 आता है, तो और x - 2, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16 = 1। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे हम, जिसमें वाई स्क्वेयर पहले था, कंपेयर विद y - k का होल स्क्वायर अपॉन a² - x - h का होल स्क्वायर अपॉन b² = 1। अब इसको कंपेयर कीजिए, ये 9 है यहाँ पे, तो यहाँ पे h और k हमें मिल जाएगा। h की अगर हम बात करें तो x - h है, यहाँ पे x - 2 है, तो हमें मिल जाएगा क्या, h = 2, k = -2, क्योंकि ये -k है, यहाँ पे +2 है। ए स्क्वायर की वैल्यू है 9 और बी स्क्वायर है हमारे पास 16, ठीक है। और इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब ये कि जो हमारे पास पैराबोला बनेगा वो इस शेप का बनेगा कि जिसमें ये इस शेप का पैराबोला हाइपरबोला बनेगा, सॉरी, ये इस शेप का जिसमें ये हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, राइट। तो अब हमें ये पता है
वी नो दैट सेंट्रिसिटी भी निकालनी है, तो हमने पहले सी निकाल लेते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है 9 और बी स्क्वायर है 16, तो ये हो जाएगा 25। तो सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5, पॉजिटिव ही लेंगे, राइट। तो आप इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी किस तरह से निकाली जाती है? सी इज इक्वल्स टू ए ई करके निकाली जाती है। सी की वैल्यू है 5, ए है हमारे पास 3 आएगा यहाँ से, क्योंकि ए स्क्वायर 9 है तो ए 3 हो जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी मेरे पास आ गई 5/3। तो इसेंट्रिसिटी जो उन्होंने पूछी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि है 5/3। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर निकालते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होता है एच कॉमा के। तो हमारे पास जो सेंटर आएगा, एच की वैल्यू है 2 और वाई की भी है 2, वाई की है -2, के की वैल्यू है -2। तो इसका मतलब है सेंटर हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि है 2, -2। तो सेंटर भी हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्या है कि हमने फोसाई निकालने हैं। फोसाई निकालने का तरीका ये है, एच कॉमा के प्लस माइनस सी कीजिए। एच क्या है 2, के क्या है -2 और सी की वैल्यू है 5। तो दो फोकस हमारे पास आएंगे, एक होगा 2, इसको प्लस कीजिए, -2 प्लस 5 करेंगे तो 3 आएगा, और दूसरा 2, -2 माइनस 5 करेंगे तो -7 आएगा। तो फोसाई के भी कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं इसके वर्टिसेस। वर्टिसेस निकलेंगे एच कॉमा के प्लस माइनस ए करके। एच क्या है हमारे पास 2, के क्या है -2 और ए क्या है हमारे पास 3। तो वर्टिसेस क्या निकल आएंगे इसके, एक दफा प्लस कीजिए, एक दफा माइनस करेंगे। प्लस करेंगे -2 + 3 तो 1 आ जाएगा, और माइनस करेंगे -2 - 3 तो -5 आ जाएगा। तो वर्टिसेस भी हमने फाइंड आउट कर लिए। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रह गई है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, जो कि है 2b² / a। तो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² / a, बी स्क्वायर की वैल्यू है 16 और ए है हमारे पास 3। तो यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ जाएगी 32/3 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने लेटेस्ट रेक्टम की भी लेंथ फाइंड आउट कर लिया। तो जो जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे, हमने उन सबके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। सेंटर के भी निकाल लिए, फोसाई के भी निकाल लिए, वर्टिसेस के भी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। फिर इसेंट्रिसिटी हमारे पास 5/3 आई है और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 32/3 आई है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया है, और अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, जो कि एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसको हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। dy/dx के फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि ये वाली जो dy वाली टर्म है उसको हम यहीं पे रखते हैं और dx को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा 2x + y + 1। सॉरी, ये dy है इसके साथ और यहाँ पे है ये dx, तो dy/dx इसके इक्वल आ जाएगा, ये है -2x + y + 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x + y - 1। अब इसको हमने कंपेयर करवाना है किसके साथ, हमें पता है कि ये इक्वल होता है a1x + b1y + c1 के, और नीचे क्या है a2x + b2y + c2 के। तो x का कोफिशिएंट a1 होता है, यहाँ पे a1 हमारे पास है 2 और a2 है हमारे पास 2। तो a1/a2 अगर हम करें, डायरेक्ट a1/a2 ही लिखते हैं, a1/a2 लिखें तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, इसका मतलब है इसका रेशियो तो 1 के इक्वल है।
और अगर बी वन अपॉन बी टू करें तो बी वाई का कोफिशियंट वन ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये आ जाएगा वन। तो इसका मतलब है दोनों रेशियो इक्वल हैं, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों इक्वल नहीं थे, अब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका प्रोसीजर चेंज है। तो हम यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोफिशियंट इक्वल हो तो इसको किस तरह से हम रिड्यूस करें होमोजीनियस फॉर्म में। तो अब हमने क्या लेट करना है, लेट जेड इज इक्वल्स टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, राइट। तो ए वन की वैल्यू क्या है, ये है 2x प्लस वाई, ये हमने जेड को लेट करना है। तो यहाँ से अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूं तो y किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू z माइनस 2x। और अगर dy अपॉन dx करें तो dy अपॉन dx किसके इक्वल आ जाएगा, dz अपॉन dx, और 2x को अगर मैं x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करूं तो 2 आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन वन थी इस पे हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन में पुट करने के बाद इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये इक्वल आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 2 के, फिर है माइनस का साइन, 2x प्लस वाई है, तो 2x प्लस वाई किसके इक्वल है, जेड के। तो ये पूरी 2x प्लस वाई इक्वल आ गया जेड प्लस वन, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 2x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा जेड माइनस वन के। अब ये माइनस टू को हम दूसरी साइड पे भेज देते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन प्लस 2। अब ये जो माइनस था इसको अगर हम इस साइड पे ले आए ताकि प्रॉब्लम ज्यादा ना हो, तो इसको इस साइड पे ले आए क्योंकि अभी हमने एलसीएम लेना है तो बाद में इसको वापस ले आएंगे। तो ये हो जाएगा जेड प्लस वन प्लस 2z, 2 1 2 अपॉन जेड माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू यहां से दोबारा देखें, ये माइनस जब इधर आएगा माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन। अब ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, पहले हम मिस्टेक कर रहे थे, इज इक्वल्स टू जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन, इधर आके माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा जेड प्लस वन माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 2 1 2 अपॉन जेड माइनस वन। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड माइनस 2z इज माइनस जेड प्लस 2 प्लस 1 इज 3 अपॉन जेड माइनस वन। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये माइनस को ख़त्म करवा सकें, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा जेड माइनस 3 अपॉन जेड माइनस वन, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब जेड की टर्म्स को हम इस तरफ ले आते हैं, जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस 3, साथ में है डी जेड और यहाँ पे सिर्फ है एक्स। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। अब ये जेड माइनस वन और ये है जेड माइनस 3, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जेड और यहाँ पे हम सिंपल माइनस 3 प्लस 3 करवाते हैं और बाकी एज इट इज अपॉन जेड माइनस 3 डी जेड, और यहाँ पे भी एज इट इज। तो अब ये जो जेड माइनस 3 है इसको सेपरेट करते हैं और 3 माइनस 1 2 को हम सेपरेट कर लेते हैं,
तो ये हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रल जेड माइनस थ्री अपॉन जेड माइनस थ्री, और यहाँ पे प्लस टू अपॉन जेड माइनस थ्री डी जेड, और इस तरफ एज इट इज इंटीग्रल डी एक्स मौजूद है। तो ये से कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारे पास हो जाएगा वन प्लस टू जेड माइनस थ्री साथ में डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी एक्स। नाउ यू हैव टू टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो वन का इंटीग्रल जेड के रिस्पेक्ट से सिर्फ जेड आ जाएगा, और टू तो बाहर एज इट इज है जेड माइनस थ्री, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, जेड माइनस थ्री का डेरिवेटिव होगा वन, क्योंकि जेड का डेरिवेटिव वन ही है। तो जब डेरिवेटिव मौजूद होता है तो एल एन के साथ वो फंक्शन आ जाता है, और यहाँ पे एक्स प्लस सी। अब जेड को यहाँ से हमने रिमूव करना है, जेड की वैल्यू क्या हमने पुट की थी, टू एक्स प्लस वाई, तो वापस से जहाँ जहाँ जेड है हम पुट कर देते हैं, टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी जेड है तो यहाँ पे भी टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो देखा स्टूडेंट हमने, अगर रेशियो इक्वल थे तो किस तरह से हमने यहाँ पे लेट किया, और किस तरह से हमने इसको सब्सिट्यूट करते हुए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। ये फंक्शन है, टेन इनवर्स जब इस तरफ आ जाएगा तो टेन हो जाएगा, टेन यू इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, ये टेन यू की वैल्यू है। अब हमने चेक करना है कि ये जो मेरे पास फंक्शन है इसको लेट से हम एफ का नाम दे देते हैं, यहाँ पे अगले स्टेप में एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू टेन यू, और ये इक्वल है किसके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई के, राइट। अब पहले तो इसकी एफ ऑफ एक्स की आप डिग्री चेक कर लीजिए कि इसकी डिग्री क्या होती है, ताकि हम आइलर थ्योरम के फॉर्मूले में पुट कर सकें। तो इसकी डिग्री चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टी एक्स कॉमा टी वाई पुट करना पड़ेगा एक्स वाई की जगह पे, तो एक्स क्यूब है तो ये हो जाएगा टी क्यूब एक्स क्यूब, और यहाँ पे टी क्यूब वाई क्यूब, और डिनोमिनेटर में टी एक्स और टी वाई की जगह पे टी वाई। तो ऊपर से टी क्यूब कॉमन आ रहा है और नीचे से टी कॉमन आ रहा है, और बाकी पूरा फंक्शन एज इट इज रिपीट हो रहा है, तो ये डिग्री बन गई टू की एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री टू। तो जब डिग्री हमने फाइंड आउट कर ली है तो आइलर थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अप्लाइंग आइलर थ्योरम, और आइलर थ्योरम ये कहता है कि एक्स ऑफ, अगर आपके पास फंक्शन यू का है, डावा यू अपॉन डावा एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ डावा यू अपॉन डावा वाई इज इक्वल्स टू टू टाइम ऑफ यू, टू मीन्स डिग्री टू है तो यहाँ पे एन आता है, यानी कि एन की वैल्यू टू है यहाँ पे, तो टू टाइम ऑफ यू। अब हमने क्या करना है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन वन। अब u का डेरिवेटिव या यहीं पे डायरेक्टली पुट करते हैं, क्योंकि अब तो फंक्शन हमारे पास बड़ा नहीं है, तो x डावा अपॉन डावा x u, यहाँ पे फंक्शन हम u का लें या f का, f का ही लेके चलते हैं क्योंकि ये फंक्शन f का था, तो u की जगह पे हम f पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये डावा f, यहाँ पे डावा f और यहाँ पे 2f। तो जो फंक्शन f का है तो f का फंक्शन किसके इक्वल है, टेन यू के इक्वल है, तो यहाँ पे हम टेन यू पुट कर देंगे, और इसी तरह से यहाँ पे भी डावा अपॉन डावा वाई एफ की जगह पे हम पुट कर देंगे टेन यू, और इस साइड पे एफ की जगह पे टेन यू। अब ये यू का फंक्शन है और मुझे एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे चेन रूल लगाइए कि पहले आप क्या करें, डावा यू अपॉन डावा एक्स निकालें, और फिर आप जो भी आपके पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लीजिए। तो ये मेरे पास टेन का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर यू, और साथ में डावा यू अपॉन डावा एक्स चलेगा क्योंकि चेन रूल अप्लाई किया है, और इसी तरह से टेन का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर यू, और साथ में डावा यू अपॉन डावा वाई चलेगा, और इस तरफ टू टेन यू एज इट इज रहेगा। यहाँ से सेक स्क्वायर यू कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा एक्स
डावा यू अपॉन डावा एक्स प्लस वाई डावा यू अपॉन डावा वाई इज इक्वल्स टू टू टाइम ऑफ टेन यू। अब सेक स्क्वायर यू यहां पे है, जब इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो इसी स्टेप में इसको डिवाइड में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, किस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि टेन यू किसके इक्वल होता है, हमारे पास टेन यू इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के, तो ये आ जाएगा साइन यू अपॉन कॉस यू, और वन अपॉन सेक स्क्वायर इक्वल होता है कॉस स्क्वायर यू के, क्योंकि देखें वन अपॉन सेक एक्स इक्वल होता है कॉस के, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल हो गया, वन अपॉन सेक स्क्वायर इक्वल हो गया कॉस स्क्वायर के, तो एक स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये रह गया टू साइन यू कॉस यू। तो एक्स डावा यू अपॉन डावा एक्स प्लस वाई डावा यू अपॉन डावा वाई किसके इक्वल हो गया, टू साइन यू कॉस यू। और हमें एक फॉर्मूला और भी पता है कि टू साइन थीटा कॉस थीटा अगर हो तो ये इक्वल होता है साइन टू थीटा के, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे यू है तो ये इक्वल आ जाएगा साइन टू यू के। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, तो हमने आइलर्स थ्योरम की हेल्प से इस थ्योरम इस वाली कंडीशन को जो हमने प्रूव करने के लिए कहा गया था हमने इसको प्रूव कर दिया, राइट। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 11 कंप्लीट कर ली है। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। सबसे पहले जो भी फंक्शन हमें गिवन है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव, अब यहाँ पे हमें इंटरवल भी गिवन है 2 to 3 का इंटरवल है, 2 को हमने कह दिया कि ये ए है और 3 को हमने कह दिया कि ये बी है। हम 2 पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 3 पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे क्या इनका जो मल्टीपल है नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इनका मल्टीपल नेगेटिव आ रहा है फिर हम अगले अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाएंगे, यानी कि x1। और x1 हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है, x1 फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप a को मल्टीप्लाई करवा दीजिए f ऑफ b के साथ, माइनस b को मल्टीप्लाई करवा दीजिए f ऑफ a के साथ, और डिवाइड करवा दीजिए f ऑफ b माइनस f ऑफ a के साथ, राइट। फिर उसी तरह से जिस तरह बाइसेक्शन मेथड पे हमने चेक किया था कि f ऑफ x1 का रिजल्ट क्या आ रहा है, जो भी एफ ऑफ एक्स वन का रिजल्ट आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ ए के साथ, और फिर इसी एफ ऑफ एक्स वन को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ बी के साथ। ए और बी ये दोनों जो हम शुरू से लेके चल रहे थे वो फंक्शन की वो वैल्यूज हैं। अब जिसका आंसर नेगेटिव में आएगा, चाहे इसका आंसर नेगेटिव में आए या इसका आंसर नेगेटिव में आए, एक का आंसर नेगेटिव में आएगा एक का आंसर पॉजिटिव में आएगा, जिसका आंसर नेगेटिव में आएगा हम उसको कंसिडर करेंगे कि वही हमारे अगली आइट्रेशन के लिए इंटरवल कंसिडर करेंगे। अब x1 और a अगली आइट्रेशन के लिए हमारे जो इंटरवल्स बन जाएंगे वो x1 का पॉइंट होगा और a का पॉइंट होगा, इस वाले को हम इग्नोर कर देंगे। फिर इसी तरह से अगले स्टेप में हम x2 निकालेंगे, x2 का सेम प्रोसीजर यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अगेन हम चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू x2 पे अगर मल्टीप्लाई करवाएं f ऑफ a के साथ और फंक्शन की वैल्यू x2 को मल्टीप्लाई करवाएं f ऑफ b के साथ तो किसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। जिसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है उसको अगेन कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव वाले को इग्नोर कर देंगे, और फिर हमारी अगली आइट्रेशन के लिए ए और बी रेडी हो जाएंगे। तो इस प्रोसीजर को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द फंक्शन जिसका हमने रूट फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्स की पावर 3 है। अगर ये एक्स क्यूब वाला यहाँ पे ये टर्म मौजूद ना होती, सिर्फ 2x-5 होता, इसका मतलब है वो लीनियर इक्वेशन होती, यानी कि एक्स की पावर सिर्फ 1 ही थी यहाँ पे। बट नाउ दिस इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन एंड द रीजन इज एक्स क्यूब, इसकी पावर जो क्यूब है, दिस इज द रीजन कि ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है। अब इंटरवल भी हमें गिवन है, लोअर लिमिट है 2 अपर लिमिट है 3, और हमने 3 आइटेशन करनी है बाय यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो बस आज की वीडियो में हम रेगुलर फॉल्सी मेथड के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और इसके क्वेश्चन 12.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह वो सारे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, ये है एक्स क्यूब माइनस 2x-5, राइट। अब ये जो इंटरवल है 2 to 3, हम यहाँ पे ए को कंसिडर कर लेते हैं 2 और बी को कंसिडर कर लेते हैं हम 3, और फंक्शन में हम 2 पुट करेंगे। 2 पुट करने का मतलब ये है कि जहां जहां एक्स है वी हैव टू पुट 2,
तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 की पावर क्यूब 8 - 2 2 4 -5, डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं आप, तो एफ ऑफ 2 का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -1। तो ये हम फर्दर यूज करेंगे, इसीलिए इसको यहाँ पे हम बॉक्स बना देते हैं। देन वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ 3, यानी कि एफ ऑफ बी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जहां जहां पे एक्स है हम पुट कर देंगे 3, तो इसको एज इट इज कैलकुलेटर में डालिए या यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9, 9 3 27 -3 2 6 -5, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। यहाँ पे हमने एफ ऑफ 2 भी निकाल लिया, एफ ऑफ 3 भी निकाल लिया। अब लाजमी तौर पे अगर मैं एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 करती हूँ तो इसका आंसर मुझे नेगेटिव में मिलना चाहिए, और नेगेटिव में मिल भी रहा है क्योंकि एफ ऑफ 2 है मेरे पास -1 और एफ ऑफ 3 है मेरे पास 16। इसका मतलब है रिजल्ट लेस देन 0 है, यानी कि रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव है, और जब रिजल्ट नेगेटिव होगा तो हम ये क्लेम लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, इसके दरमियान में ही कहीं हमारा रूट होगा। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट आइटरेशन, फर्स्ट आइटरेशन में हमारा ए और बी बिल्कुल सेट है। हम यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं कि ए हमारे पास क्या है और बी क्या है। ए हमारे पास है 2, और एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं जो कि -1 थी। सेम बी की वैल्यू हमारे पास है 3, और इसी तरह एफ ऑफ बी भी हम निकाल चुके हैं जो कि है 16। राइट, ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। अब फर्स्ट आइटरेशन करते हुए हम एक्स वन की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, ए बी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की वैल्यू सारी अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। ए इज 12, एफ ऑफ बी इज 16, बी इज 3 एंड एफ ऑफ ए इज -1। इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा किससे, एफ ऑफ बी यानी कि 16 माइनस एफ ऑफ ए यानी कि -1। राइट, अब 16 2 जा ये हो जाएगा 32 माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 अपॉन 16 माइनस माइनस प्लस 1, 16 प्लस 1 इज 17। नाउ 32 प्लस 3 इज 35 अपॉन 17, यू विल गेट x1 इज इक्वल्स टू 2.0588। ये x1 की वैल्यू आई है। अब इसी x1 की वैल्यू को जब फंक्शन में पुट करेंगे, गिवन फंक्शन जो कि हमारे क्वेश्चन में मौजूद है एफ ऑफ 2.0588 को अपने फंक्शन में पुट कीजिए। फंक्शन क्या है हमारे पास, x³ - 2x - 5। तो जहां जहां x है हमने पुट कर देना है 2.0588 का क्यूब माइनस 2 टाइम ऑफ 2.0588 देन -5। तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है -3.090799। राइट, तो ये मेरे पास जो फर्स्ट आइटरेशन से x1 आया था उसकी फंक्शन की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब स्टूडेंट करना क्या है कि ये जो फंक्शन की वैल्यू आई है x1, इसको मल्टीप्लाई करवा के देखिए एफ ऑफ ए से, और इसी एफ ऑफ x1 को मल्टीप्लाई करवा के देखिए एफ ऑफ बी से, और देखिए किसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। जिसका आंसर नेगेटिव में आएगा हम उसे ही कंसिडर करेंगे। एफ ऑफ एक्स वन इज -3.09 एंड ऑल समथिंग, हमें बस नेगेटिव में चाहिए था, और एफ ऑफ ए क्या था हमारे पास -1 था, और एफ ऑफ बी हमारे पास 16 था। तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले को हम कर देंगे इग्नोर। ये होगा मेरे पास लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, इसको हम कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन x1 एंड b, राइट। अब x1 क्या हो जाएगा मेरे पास, जो x1 की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 2.0588, और b तो मौजूद है ही जो कि है 3। अब सेकेंड आइटरेशन शुरू करते हैं, और सेकेंड आइटरेशन में भी हमने यही काम करना है जो कि यहाँ पे किया।
सेकेंड आइट्रेशन में अब हमारे पास ए और बी चेंज हो जाएगा, ए चेंज होगा बी तो वही रहेगा। ए हो जाएगा अब मेरे पास 2.0588, और अगर मैं एफ ऑफ ए निकालूं तो वो निकला हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं, -3.090799, और बी भी निकला हुआ है, बी इज 3, और एफ ऑफ बी भी हमने निकाला हुआ है जो कि है 16। अब एक्स टू निकालने जा रहे हैं, एक्स टू का फॉर्मूला यही रहेगा क्योंकि हमने ए और बी अपना सेकेंड आइटरेशन के अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया, तो फॉर्मूला यही रखते हैं, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब अगेन सारी वैल्यूज उठाएंगे यहाँ पे पुट करेंगे, तो ए की जगह पे 2.0 एक्स टू इज इक्वल्स टू, ए की जगह पे हम पुट करेंगे 2.0588 इंटू 16, और बी की जगह पे 3, और एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा -0.390799, और इसको किससे डिवाइड करवाना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से, एफ ऑफ बी है 16 माइनस एफ ऑफ ए है -0.390799। आप पहले न्यूमिरेटर को सॉल्व करना चाहें तो न्यूमिरेटर को सॉल्व कर लें, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा 34.11, और डिवाइड करवा दीजिए 16.39 रिजल्ट आएगा, तो एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी 2.08104। तो एक्स टू हम लिख देंगे 08104, और जब इसको फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन क्या होगा हमारा एफ ऑफ 2.08104, फंक्शन था एक्स क्यूब यानी कि 2.08104 का क्यूब माइनस 2x 2.08104 -5। कैलकुलेटर में डाल दीजिए एज इट इज, यू विल गेट -0.1496। तो एफ ऑफ 2.08104 का रिजल्ट आ गया -0.1496। और अगेन जब इस एफ ऑफ एक्स टू को मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ जो यहाँ पे हमने ए कंसीडर किया था उसके साथ भी, और इसी एफ ऑफ एक्स टू को मल्टीप्लाई करवाइए जो हमने एफ ऑफ बी लिया है उसके साथ, तो एफ ऑफ एक्स टू का आंसर नेगेटिव में है -0.1496। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ ए के साथ और देखेंगे कि किसका आंसर नेगेटिव में आया है। एफ ऑफ ए क्या था ये भी देख लेते हैं, एफ ऑफ ए इज -3.09, और एफ ऑफ बी हमारे पास हो जाएगा 16। तो अब देख लें माइनस माइनस ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव, और हमने कंसिडर करना होता है नेगेटिव वाले को, पॉजिटिव वाले को इग्नोर कर दीजिए। तो हम यहाँ पे क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू क्या थी 2.08104 एंड बी, बी इज 3। तो ये हमारी सेकेंड आइट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन के लिए अगेन हम अपने ए और बी यहाँ पे बना लेते हैं। ए हो जाएगा हमारे पास 2.08104, और बी हो जाएगा हमारे पास 3। एफ ऑफ ए भी हमारे पास मौजूद है, हमने निकाला हुआ है -0.1496, और एफ ऑफ बी तो हमने शुरू में ही निकाल लिया था जो कि आ गया था 16। अब एक्स थ्री निकालने जा रहे हैं, फॉर्मूला वही रखेंगे क्योंकि हमने ए और बी उसके अकॉर्डिंग सेट किए हुए, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब सारी वैल्यूज उठाएंगे और अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स थ्री इज इक्वल्स टू ए, एंड व्हाट इज ए,
2.08104, f of b is 16, b is 3, and f of a is -0.1496. और डिवाइड इसको करवाना है हमने, f of b यानी कि 16 माइनस f of a इज -0.1496 है। अब इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कीजिए, रिजल्ट विल बी 33.74544 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16.149। या आप डायरेक्टली भी एज इट इज पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डालिए और रिजल्ट आ जाएगा 2.08956। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब आ गया है, एक्स की एक्स थ्री आ गया है हमारे पास, और हमने थर्ड आइटेशन तक ही अपना काम करना था, तो हम यहाँ पे लाके अपने आइटेशन को स्टॉप कर देंगे और ये लास्ट में लिखेंगे कि अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन, जो कि इक्वेशन हमें गिवन थी, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो इज 2.08956 आफ्टर थ्री आइट्रेशंस। आगे काम करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे। फर्दर इसका ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं कि फंक्शन की वैल्यू क्या थी, या फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो ही होगी, बट यहाँ पे हम क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे और ये लिखेंगे कि यही हमारे पास अप्रोक्सीमेट रूट है जिसमें हमारी फंक्शन की वैल्यू जीरो के करीब आएगी। जीरो के करीब, देखें यहाँ पे भी हमारे पास जीरो के करीब ही थी, लेकिन एक और आइट्रेशन की हमने, तो इससे हमारी वैल्यू जीरो के और करीब हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं आएगी, इसीलिए हमने लिखा है कि अप्रोक्सीमेट रूट। रूट का मतलब होता है फंक्शन की वो वैल्यू जिसपे हमारी इक्वेशन जीरो के इक्वल आ जाए। अप्रोक्सीमेट इसलिए लिखते हैं कि वो एग्जैक्टली जीरो के इक्वल नहीं आती, बल्कि अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल आ रही होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लिया है, हमने सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस अपने पास सॉल्व कर लिए, राइट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।